अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हर साल ही पाकिस्तान का आज़ादी का दिन आता है, ये जोश व खरोश से मनाया जाता है, मगर इस बात का कभी भी ख्याल नहीं रखा जाता कि जिस जोश व खरोश से झंडियाँ ख़रीदी जा रही हैं, जिस मोहब्बत के साथ गली मोहल्लों को सजाया जाता है, उसके बाद इन झंडियों का ज़रा ख्याल नहीं किया जाता। पाकिस्तान का बना हुआ झंडा लोगों के पाँव तले आ रहा होता है और कोई इसका ख्याल नहीं रखता कि कम अज़ कम उसे उठा ही ले। आज की इस वीडियो को ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस कौम की गरीब सी बहनें बेटियाँ जहाँ से गुजर रही होती हैं, बाइक पर इन्हें नज़र आता है पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। ये दोनों जाती हैं, उसे बहुत ही मोहब्बत से चूमती हैं और इस कौम को ये पैगाम दे जाती हैं कि हाँ, हम इस कौम की बहनें बेटियाँ हैं, हमें इस मुल्क की भी कदर है, इस मुल्क के झंडे की भी। हमारी कौम के लिए भी यही मैसेज है कि खुदा रा इस झंडे की कदर कीजिए, बजाय इसके कि इसे ज़मीन पर या पाँव तले रौंदा जाए या तो इसे ख़रीदा ही ना जाए। गली महल्लों को आपका सजाना पाकिस्तान के नाम को मज़ीद रोशन नहीं कर सकता, हाँ, इसके झंडे की तकरीम आपके नाम को रोशन कर सकती है, आपके मुल्क के नाम को रोशन कर सकती है। और पाँव तले रौंदना या आपकी वजह से अगर कोई और रौंदता है तो ये आपको मुजरिम बना सकता है, क्योंकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और कलमे के नाम पर बने इस मुल्क में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कम अज़ कम इस मुल्क की भी कदर करें और इस मुल्क के झंडे की भी और इससे रिलेट करने वाली हर चीज़ की भी। आप इस मतलब क्या कहेंगे, हम आपकी राय जानना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको राह हिदायत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।